अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 2 रुपए किलो गोबर खरीदने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार गाय के गोबर से बिजली बनाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के मौके पर किसान सम्मेलन में इसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के गौठान अब गोबर की बिजली से जगमगाते दिखेंगे। गौठानों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार करने के लिए लगी मशीनें भी गोबर की बिजली से चलेंगी। गाय के गोबर से 85 घन मीटर गैस मिलेगा। 1 घन मीटर गोबर से 1.8 किलोवाट प्रति घंटा बिजली मिलेगी। एक इकाई में 153 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। सुराज गांव योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में 10,112 गौठानों के निर्माण की अनुमति दी है। इसके जरिए गांव के लोगों को सहारा देने की योजना है। इनमें से 6,112 गौठानों का निर्माण हो चुका है। अब तक 51 लाख क्विंटल गाय का गोबर जुटाया जा चुका है। इसके लिए ग्रामीणों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 102 करोड़ रुपए का भी भुगतान हो चुका है। साथ ही 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट भी बनाई गई है। बिजली उत्पादन ही नहीं किया जाएगा बल्कि विक्रय भी किया जाएगा, तो ये स्थिति पहली बार हिंदुस्तान में बनी है। गोबर से सस्ती बिजली उत्पादन होने के साथ साथ जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। इससे गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूह को दोहरा लाभ मिलेगा। इससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। रायपुर से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।